घरोघरी तिरंगा अभियान अंतर्गत जालना शहरात आज सकाळी काढण्यात आलेल्या तिरंगा रॅलीस जालनाकरांचा उत्सव पूर्त प्रतिसाद लाभला। मामा चौकातून निघालेल्या या रॅलीत मोठ्या संख्येने नागरिक व युवक सहभागी झाले होते। स्वतः जिल्हाधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सायकल चालवली, या रॅलीत सहभागी घेतला। 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत अशी माहिती त्यांच्याद्वारे देण्यात आली। सर, सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं महानगरपालिकेच्या वतीने, आपलं 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या दरम्यान आपण आता विविध उपक्रम राबवणार आहोत आणि या अनुषंगाने आज सायकल रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। यासोबतच सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, त्याच पद्धतीने स्वातंत्र्य सैनिकांचे कुटुंबीय यांचा सत्कार असेल असे विविध उपक्रम 15 तारखेपर्यंत आयोजित केले आहेत आणि त्या अनुषंगाने आज पहिला दिवस ही सायकल रॅलीचा आयोजन करून त्या पद्धतीने साजरा करण्यात येत आहे। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं